ओके क्लास, अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट हैपेंड टू द रेप्टाइल्स. वी केम टू नो अबाउट दिस चैप्टर टिल येट दैट देयर वॉज अ बॉय, हिज नेम वॉज प्रेम, एंड हु इज नरेटिंग द होल स्टोरी. ही टोल्ड अबाउट दैट हिज विलेजर्स वर फाइटिंग टू ईच अदर एंड द रायट्स इन द विलेज हैपेंड अबाउट द गॉड्स. One, those who have the faith in the mandirs for the temples, they were killing to the followers of masjid, and those who were following the masjid in the faith of masjid, they were fighting with the Hindus. So when the riots arose in the villages, all the villagers set fire the houses of the villagers. Those who were wishing the peace, they left the villages, and one was Prem. Prem ने भी अपना गांव छोड़ दिया और वो कहाँ पहुंचा? पंबूपट्टी, जिसके बारे में उसने बहुत ही थोड़ा सुना था. लेकिन जब वो पंबूपट्टी पहुंचा तो उसे बहुत सारा सत्कार देखने को मिला. वहाँ के लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने प्रेम की बहुत सारी सत्कार किया, सेवा करा, और उसके बाद उसे खाना पीना देते रहे. एक समय के बाद जब वो बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने वहाँ के व्यक्तियों से बात करना चालू करा, और पंबूपट्टी के एक बड़े ही बुजुर्ग व्यक्ति जो कि उसका ख्याल रख रहे थे, उन्होंने उससे कहा कि जब तुम अपने गांव जाना तो लोगों को यहाँ की कहानी सुनाना. लेकिन उसने क्या डिसीजन दिया कि नहीं, मैं अपने गाँव लौट कर कभी भी नहीं जाऊँगा. जब ये बात उस बूढ़े व्यक्ति ने सुनी तो उसे बहुत अजीब लगा. उसे लगा कि अगर ये अपने गांव नहीं गया तो गांव में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा. इसलिए उसने प्रेम को एक कहानी सुनाई. किसकी कहानी? रेप्टाइल्स की कहानी सुनाई, और उसमें अलग अलग स्पीसीज की, जैसे कि टोरटॉइस, लिजर्ड्स, स्नेक्स एंड क्रोकोडाइल्स. तो उनका एक पूरा गांव हुआ करता था पंबूपट्टी, और उनमें से उनका जो चीफ था वो कौन था? मकरा. कौन था चीफ? मकरा. उसने क्या किया, एक दिन जो मंथली मीटिंग हुआ करती थी, एक बार उसने उस मंथली मीटिंग के लिए चोरटाइजेस को क्या कर दिया? डिसअलाउ कर दिया. मतलब उन्हें डिनाई कर दिया कि इस बार आपको मीटिंग में नहीं आना है. उसके बाद जब वो मीटिंग में नहीं आए, क्योंकि वो सारे टोरटॉइस डर गए, और उन्हें क्या लेटर भेजा कि 2 दिन में वो गांव खाली कर दें. उसने क्या रीज़न दिया दूसरे लोगों को कि वो बहुत ही स्लो हैं और वो अपने घर को अपने सर पर लेकर चलते हैं, इसलिए हमें उन्हें अपनी कम्युनिटी में नहीं रखना चाहिए. कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया, बट ऑल द रिवर्ट्स वर डन साइलेंट. सबको क्या करा दिया गया? शांत करा दिया गया. क्यों? दे वर मेड साइलेंट बिकॉज मकरा वॉज नॉट इन द हैबिट टू लिसन बट एंड इफ्स. वो किसी की इफ और बट सुनना पसंद नहीं करता था. वो अपने आप को सुपीरियर समझता था, इसलिए उसने किसी की भी बात नहीं सुनी. और फाइनली जो टोरटॉइसेस थे, उन्होंने जंगल को दूसरे ही दिन छोड़ दिया. अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे. And by the following Tuesday, they were all gone. At first, the animals were sad, but then they realized that what Makara has said was true. पहले तो उन सबको बुरा लगा, लेकिन धीमे धीमे they have realized that whatever said by the Makara was true. They were carrying their homes on their back. And but soon a strange smell began to fill the forest. But कुछ ही दिन बाद जब टोरटॉइसेस ने जंगल छोड़ दिया तो एक अचानक सी एक गंदी सी बदबू ने पूरे ही जंगल को घेर लिया. Let's see what kind of smell it was. Okay. So there was more food
मोर वाटर एंड मोर स्पेस फॉर देम. सबको बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनके पास ज़्यादा जगह हो गई थी, उनके पास भोजन की अवेलेबिलिटी बढ़ गई थी और ढेर सारा पानी बच गया था. लेकिन धीरे धीरे पूरे ही जंगल में एक अजीब सी गंध फैल गई. इट वॉज द स्मेल ऑफ रॉट रोटिंग फ्रूट ऑन द ग्राउंड. पूरे जंगल में जो सड़े हुए फल थे वो सब जमीन में फैल रहे थे और उनकी उनकी जो गंध थी, दुर्गंध थी, उसने पूरे जंगल को घेर लिया था. रॉटिंग एनिमल्स इन द रिवर. जो भी पानी में मरे हुए जानवर होते थे उन सब की बदबू भी क्या होती गई, फैलती गई. दिस वॉज वॉट द टॉर्टोइज यूज टू इट. अब टॉर्टोइज क्या खाते थे, उन्हीं मरे और सड़े हुए जानवरों के टुकड़ों को वो पानी से खाकर सफाई किया करते थे. बट नोबडी वॉज देयर टू क्लीन नाउ बिकॉज टॉर्टोइज ऑलरेडी लेफ्ट अवे द फॉरेस्ट. सो नोबडी वॉज अवेलेबल देयर टू क्लीन द रिवर्स एंड क्लीन द ग्राउंड एंड टेकिंग अवे द रॉटन फ्रूट्स फ्रॉम द ग्राउंड. सो इफ देयर वॉज नो वन टू क्लीन द फॉरेस्ट, सो द होल फॉरेस्ट गॉट फिल्ड विद द स्मेल ऑफ रॉटन फ्रूट्स एंड रॉटन एनिमल्स बॉडीज इन द वॉटर. तो इस तरीके से उनके जाने से ये नुकसान हुआ. एंड इवन मकरा हैड टू गो अबाउट होल्डिंग हिज नोज विद हिज बिग क्लॉज. कई बार तो मकरा को भी अपनी नाक बंद करके नदी के इस पार से उस पार जाना पड़ता था. मतलब मकरा वॉज ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम बट बिकॉज ही टुक द डिसीजन एंड ही वॉज नॉट इन द हैबिट टू से टू लिसन इफ्स एंड बट्स. उसने अपनी चलानी चाही इसलिए उसे ये सब भुगतना पड़ा, ये परिणाम उसे भुगतने पड़े. अब आगे देखते हैं क्या होता है. 10-40 हो गया है क्या. सो क्लास फ्रॉम टुमारो वी विल सॉरी टुमारो आई विल टेक द क्लासरूम एक्टिविटी एंड ऑन 24 यू विल सबमिट योर सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी इन योर व्हाट्सएप क्लास ओके ओके मैम. एंड बिटवीन लिसन टू मी बिटवीन 2-5 मतलब शाम को 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में मैं ग्रुप को ओपन करके रखूंगी. आप अपने ही ग्रुप में अपनी क्लास ग्रुप में अपना वीडियो इट मींस वट एवर एक्टिविटी यू हैव डन यू कैन सेंड इट ऑन दैट. ओके बेटा 2 बजे से लेके 5 बजे तक, शाम को 2 बजे से लेके 5 बजे तक आपका ग्रुप खुला रहेगा. 3 घंटे में आप लोग आराम से भेज सकते हो. ठीक है ओके थैंक यू एवरीवन.